देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने देहरादून में हुए एमबीए छात्र रणवीर सिंह के फर्जी एनकाउंटर केस में उत्तराखंड के 11 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 7 पुलिसकर्मियों को निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है। 2014 में 30,000 कोर्ट ने कुल 18 पुलिसकर्मियों को हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने और गलत सरकारी रिकॉर्ड तैयार करने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके खिलाफ पुलिसकर्मियों ने डीएससी में अर्जी दायर की थी। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी का कहना है कि जब हमारे पास कोर्ट से कागज आएंगे तो तभी हम कोई प्रतिक्रिया कर पाएंगे और पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम करती है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी शक्ति हमें दी गई है वो कानून ने ही दी है, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। ये जो आपने अभी जानकारी दी है, ऐसी जानकारी हमको अपुष्ट अभी प्राप्त हुई है कि इस घटना के संबंध में जो न्यायालय में केस चल रहा था उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को एक्विटल हुआ है और कुछ को सजा बरकरार रखी गई है। ये अभी अपुष्ट बात हमें जानकारी मिली है। हम माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसकी औपचारिक प्रतिलिपि को, सर्टिफाइड कॉपी को मंगाएंगे और उसके पश्चात उसका अध्ययन करेंगे और तदुपरांत जो भी हमारे को इसमें रिएक्ट करना होगा हम उसी के बाद कुछ औपचारिक तौर से कह सकते हैं। इस स्टेज पर बस केवल इतना हम कहना चाहें कि हम लोग पुलिस के जन जो हैं कानून के अधीन कार्य करते हैं और जो भी शक्तियां हमारी हैं वो कानून ने ही हमको दी हैं। तो सबसे पहले यह है कि हम कानून का पालन करें। हम मुखिया के तौर पर पुलिस विभाग के उत्तराखंड के ये कह सकते हैं कि हम माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उनका सम्मान करते हैं। हम जो आदेश हमें प्राप्त होगा उसका अध्ययन करेंगे और तदुपरांत अग्रिम जो भी विधिक तौर से सही होगा वो करेंगे। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।